आखिर किस फिल्म में एक्शन कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत? क्या डाकू तो नहीं बन गए सुशांत सिंह राजपूत? क्यों सबको मारने पर उतारू है भूमि पेडनेकर? किसको गोली मारने वाली है भूमि पेडनेकर? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे चैनल के नए दर्शकों को कुछ बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर सुबह 9 बजे बॉलीग्राद Q&A, 12 बजे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, 3 बजे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 4:30 बजे ट्रेलर रिव्यूज, ब्रेक डाउन, सेलिब्रिटीज रिएक्शन, 6 बजे बॉलीवुड कल्ट, 7:30 बजे बॉलीवुड अपडेट्स, 9 बजे फिल्मों का रीमेक और सीक्वल, 10:30 बजे एक्ट्रेसेस अपडेट की वीडियो रिलीज की जाती है। और दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो या बॉलीवुड की किसी भी जानकारी से आप रूबरू होना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी फिल्म के ट्रेलर रिव्यू के बारे में जो ट्रेलर रिलीज के बाद काफी चर्चाओं में है। और अगर फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म एक ड्रामा फिल्म है जो जबरदस्त एक्शन से भरपूर है। दरअसल मैं बात कर रही हूँ फिल्म सोन चिड़िया की, दोस्तों, जिसका ट्रेलर हाल ही में ठीक 2 दिन पहले ही रिलीज किया गया है और फिल्म को पब्लिक का बढ़िया रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। ये फिल्म एक इंडियन ड्रामा फिल्म है जो क्राइम पर बेस्ड है और ये फिल्म 8 फरवरी 2019 को रिलीज की जाएगी। और फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रोनी स्क्रूवाला, फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक चौबे। और दोस्तों, वहीं अगर अभिषेक चौबे की बात की जाए तो वो एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और स्क्रीन राइटर हैं। और अभिषेक चौबे ने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के साथ 2002 में फिल्म मकड़ी, 2006 में ओमकारा और 2009 में कमीने में एसोसिएट डायरेक्टर और को राइटर काम किया है। अभिषेक चौबे ने 2010 में इश्किया फिल्म से बॉलीवुड में एज अ डायरेक्टर डेब्यू किया था, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और विद्या बालन जैसे एक्टर्स एक्टिंग करते नजर आए थे और जो कि काफी हिट फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने 2014 में डेढ़ इश्किया डायरेक्ट की, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी, माधुरी दीक्षित, ह्यूमा कुरैशी और विजय राज एक्टिंग करते नजर आए थे और ये फिल्म भी हिट साबित हुई और क्रिटिक्स ने भी फिल्म की काफी तारीफें की। और फिर अभिषेक चौबे ने 2016 में उड़ता पंजाब डायरेक्ट की, जो पंजाब में चल रहे ड्रग्स रैकेट और ड्रग प्रॉब्लम पर बेस्ड थी। दोस्तों, वहीं अगर फिल्म की बात की जाए तो उड़ता पंजाब फिल्म एक कॉन्ट्रोवर्सी फिल्म रही और सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर 89 कट्स करके कुछ सीन्स को एडिट करवाया, लेकिन फिर भी फिल्म को पसंद किया गया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। दोस्तों, फिल्म की कास्ट की बात करें तो फिल्म में शाहिद कपूर, करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और आलिया भट्ट ने काम किया था। दोस्तों, फिल्म के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस, शाहिद कपूर को बेस्ट एक्टर, इसी के साथ दिलजीत दोसांझ को बेस्ट मेल डेब्यूट एक्टर। और दोस्तों, फिल्म को भी कई अवार्ड हासिल हुए थे और कहा जा सकता है कि अभिषेक चौबे एक बार फिर से ड्रामा फिल्म लेकर आ रहे हैं जो क्राइम और जबरदस्त एक्शन से भरपूर है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें फिल्म सोन चिड़िया के स्टार कास्ट की तो फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत, मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा, रणवीर शौर्य और भूमि पेडनेकर जैसे एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं। और ये फिल्म 1975 में चंबल घाटी में फैले उन डकैतों की कहानी पर बेस्ड है जिन्होंने अपने हक के लिए सरकार और कानून के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, जिससे तंग आकर उस वक्त की सरकार और पुलिस ने मिलकर उन्हें खत्म करने के लिए जंग शुरू की थी। और दोस्तों, जो उनके एनकाउंटर के बाद खत्म हुई थी। वही सोन चिड़िया का ट्रेलर बहुत बढ़िया है और फिल्म के ट्रेलर को देखकर हमें चंबल घाटी पर बनी कुछ पुरानी फिल्में जैसे कि पान सिंह तोमर, बैंडिट क्वीन, वीरप्पन की याद आ जाती है, जिसमें डकैत और पुलिस एनकाउंटर्स जैसे सीन्स देखने को मिल जाते थे। दोस्तों, ये फिल्म भी हार जीत, खून खराबा, बेईमानी बदला, चंबल की घाटियों जैसे सीन्स का एक कॉम्बिनेशन है। और दोस्तों, फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत, मनोज बाजपेयी, रणवीर शौर्य और भूमि पेडनेकर चंबल के बागियों का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और आशुतोष राणा फिल्म में एक पुलिस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर में नजर आएंगे। दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है जैसा कि हमने आपको बताया। और अभी फिल्म के ट्रेलर को रिलीज हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और ट्रेलर को अभी तक 35,98,118 व्यूज मिल चुके हैं। दोस्तों, वहीं अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात की जाए
तो उन्होंने काई पोचे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इसके बाद उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस, पीके, एमएस धोनी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। सुशांत सिंह राजपूत इससे पहले फिल्म केदारनाथ में भी नजर आए थे। दोस्तों, अगर भूमि पेडनेकर की बात की जाए तो उन्होंने दम लगा के हैंसा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना नजर आए थे और इसके बाद वो अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट और आयुष्मान खुराना के साथ शुभ मंगल सावधान में नजर आई थी। और दोस्तों, फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत और भूमि पेडनेकर की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है और ये दोनों पहली बार डकैत का कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं। वहीं अगर रणवीर शौर्य की बात की जाए तो रणवीर शौर्य भी इस फिल्म में डकैत के कैरेक्टर में नजर आएंगे। उन्होंने फिल्म एक छोटी सी लव स्टोरी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वो जिस्म और लक्ष्य जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। दोस्तों, रणवीर शौर्य सिंगी स्कीइंग, चांदनी चौक टू चाइना, एक था टाइगर जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी एक्टिंग कर चुके हैं। वहीं अगर आशुतोष राणा की बात की जाए तो आशुतोष राणा फिल्म सोन चिड़िया में एक पुलिस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर में नजर आएंगे और इससे पहले वो कई बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। दोस्तों, बॉलीवुड के अलावा आशुतोष राणा तमिल, तेलुगु, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक्टिंग कर चुके हैं। वो दुश्मन और संघर्ष जैसी फिल्मों में विलन के कैरेक्टर के लिए दो फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं। दोस्तों, आशुतोष राणा संघर्ष, दुश्मन, राज, बादल, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, मुल्क और हाल ही में रिलीज सिम्हा जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। वहीं अगर मनोज बाजपेयी की बात की जाए तो मनोज बाजपेयी भी इस फिल्म में डकैत के कैरेक्टर में नजर आएंगे और उन्होंने ध्रुवकाल फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, जिसमें वो सिर्फ एक मिनट के लिए नजर आए थे और इसके बाद वो शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन में नजर आए थे। दोस्तों, मनोज बाजपेयी वीर ज़ारा, चक्रव्यूह, आरक्षण, अक्स, नाम शबाना, पिंजर, राजनीति, स्पेशल 26, गेट्स ऑफ वासेपुर, बागी 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं और उनकी हाल ही में रिलीज फिल्म सत्यमेव जयते थी, जिसमें वो जॉन अब्राहम के साथ नजर आए थे। और दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, फिल्म का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि अभिषेक चौबे फिर से अपनी फिल्म के एक्शन से लोगों को एंटरटेन करने वाले हैं। वहीं अगर पब्लिक और क्रिटिक्स की बात की जाए तो दोनों की तरफ से फिल्म को बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो दोस्तों, अब ये देखना है कि फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित होती है और अब ये तो रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा। पर आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म रिलीज हो रही है 8 फरवरी 2019 में। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं और आपको ट्रेलर कैसा लगा और आपको क्या लगता है ये फिल्म अपने फर्स्ट डे कलेक्शन में कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है और इसी के साथ क्या ये फिल्म अपने वीकेंड कलेक्शन से 200 करोड़ क्लब में एंट्री ले पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है, आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राथ स्टूडियोज़।